Namaste. Welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for reaching out to me, and thank you so much for being with me on this beautiful abundant channel. आज जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी सीरीज में क्रिस्टल्स का, और आपने मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी की है, तो मैं हर बार एक डिफरेंट क्रिस्टल्स के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी जो एक ले मैन के लिए बहुत ज़रूरी है, हर किसी को समझ में आए और उसका हर कोई यूज़ कर पाए. आज मैं आपसे ऐसे क्रिस्टल्स की बात करूँगी जो आप, मुझे लगता है, हर किसी के पास होने चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चेंज होते हुए देखा है और मुझे लगता है कि वो क्रिस्टल्स हर किसी के पास होने चाहिए. दूसरा रीज़न मेरा इस वीडियो बनाने का ये भी है कि जब मैंने लास्ट टाइम स्पिरिचुअल बात की वीडियो डाली, आप में से बहुत से लोगों ने उसे बहुत सराहा, बहुत प्यार किया और बहुत मुझे बहुत बहुत प्यारे कॉमेंट्स लिखे और बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. साथ साथ में बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हमारे पास तो कोई भी क्रिस्टल नहीं है, हम ऐसे में क्या करें. तो हम यही करते हैं, जब नहीं होता कुछ तो हम उसको स्किप करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसको मैक्सिमम यूज़ करते हैं. इसलिए इन दोनों बातों को नज़र में रखते हुए, समझ आते हुए, मुझे लगा कि मुझे ज़रूर आपकी हेल्प करनी चाहिए. ऐसा क्रिस्टल्स जो हर किसी के घर में होने चाहिए, और ये क्रिस्टल मैं आपको बताऊंगी, ये सिर्फ आपके अपने इंडिविजुअल लेवल के लिए नहीं है, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आप सब के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, उन सब के लिए हेल्प करेंगे. क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जब हम कोई क्रिस्टल एज अ ब्रेसलेट पहनते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरी हेल्प कर रहा है. मैं आपसे जो बताऊंगी वो ऐसे वाले बताऊंगी जिससे सिर्फ आप ही की हेल्प नहीं होगी, आपके नियर एंड डियर वंस की भी होगी. तो शुरू करें. सबसे पहला क्रिस्टल जिसको यूनिवर्सल हीलर भी कहा जाता है और जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में पूरी पृथ्वी पे है, कौन सा है? उसका नाम है क्लियर क्वार्ट्ज. ये पॉइंटर्स हैं क्लियर क्वार्ट्ज के. इसके अलावा क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है. तीसरी चीज़ क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड है. मैं इनका क्लोजअप भी आपको दिखाऊंगी. आप क्लियर क्वार्ट्ज को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. क्यों? सबसे चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट बात ही होती है कि जो भी चीज़ अबंडेंटली अवेलेबल है उसके पीछे भगवान का, यूनिवर्स का एक रीज़न होता है. वो ये कहते हैं जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करो. जैसे पेड़ पौधे, पानी, हम उन्हीं को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना. इसीलिए अगर हम क्रिस्टल्स की दुनिया में जाएं तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है क्रिस्टल अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल? क्लियर क्वार्ट्ज. इसको यूनिवर्सल हीलर भी कहा जाता है. ये एक एम्पलीफाइंग का काम करता है, यानी ये एनर्जी को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है. और सबसे प्यारी बात इस क्रिस्टल की ये है कि आप क्लियर क्वार्ट्ज को जिस भी और क्रिस्टल के साथ पहनेंगे, जिसके साथ भी, वो उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा. यानी अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज का खाली अकेला ब्रेसलेट पहना है तो ये आपको यूनिवर्सली हील भी कर रहा है, आपको ध्यान भी रख रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, आपकी एनर्जीज भी अच्छी दे रहा है. और अगर आपने इसको साथ में किसी और के पहन लिया, जैसे मैंने ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहना हुआ है, उसके साथ में मेरा क्लियर क्वार्ट्ज है, तो ये कार्नेलियन जो गो गेटर की एनर्जी है, उस एनर्जी को, सेल्फ लव की भी एनर्जी है, गो गेटर की भी एनर्जी है, उस एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है, राइट. तो हम क्लियर क्वार्ट्ज को कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आप अपने साथ में, अपने घर में लाना चाहो या करना चाहो, मैं आपको तीन सिंपल तरीके बताऊंगी जिनसे आप यूज़ करोगे. पहला तरीका तो ये है कि आप एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हो. अगर आपको इंडिविजुअल हेल्प चाहिए, आप क्लियर क्वार्ट्ज का ट्री भी रख सकते हो. जैसे मैंने अपने घर में, मेरे लिविंग रूम में मैंने रखा हुआ है, वहाँ एक क्लियर क्वार्ट्ज का ट्री है, उसकी पिक्चर मैं आपको साथ में शेयर करती हूँ. तीसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंटर्स हैं. पॉइंटर्स का मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट है, ये पूरी एनर्जी एम्पलीफाई करके इस पॉइंट से एमिट हो रही है, सिमिलरली इससे भी एमिट हो रही है. तो जब हमें ऐसा लगे, जिस दिन लगे कि बिल्कुल थकान है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या बिल्कुल एनर्जी स्टक सी लग रही है, उस दिन आप अपने लेफ्ट हैंड में इस पॉइंटर को टूवर्ड्स योर सेल्फ, मतलब अपनी तरफ को पॉइंट करेंगे. यानी ये पॉइंटर का मुंह आपकी तरफ होगा और आप अपने लेफ्ट हैंड में इसको रखेंगे. आपको मेरा लेफ्ट हैंड राइट दिख रहा होगा क्योंकि मैं सामने फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप इसलिए कंफ्यूज प्लीज़ मत होइएगा. और इसी तरह जो दूसरा वाला पॉइंटर है जो आपके राइट हैंड में होगा, वो बाहर की तरफ, उसका पॉइंट बाहर होगा इस तरह से. यानी लेफ्ट हैंड के पॉइंटर ने एनर्जी आपको एम्पलीफाई करके अंदर दी और राइट हैंड के पॉइंट ने आपकी एनर्जी को बाहर डाला. यानी एक चैनल बन गया, यानी एक सर्कल बन गया. यानी एक सर्कल बनने से क्या हुआ, पूरी एनर्जी एमिट हो रही है. अब आप इस तरह से जब बैठेंगे 10 मिनट के लिए, मेडिटेट करेंगे, नहीं मेडिटेट करना, नॉर्मली आँख बंद करके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, एंड यू जस्ट विजुअलाइज द फ्लो ऑफ एनर्जी.
10 मिनट के लिए आप बैठेंगे और आपको लगेगा कि बहुत सारे चेंजेस आपको खुद से फील होंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। 10 टू 15 मिनट्स के अंदर आप वापस से रिचार्ज हो जाएंगे क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जियोड को यूज़ करना है, जो कि मैं कहती हूँ मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड बहुत प्यारा मेथड है, क्लियर क्वार्ट्ज के जो जियोड होते हैं छोटे से होते हैं, बहुत अंदर से बिल्कुल क्लियर क्वार्ट्ज दिखाई दे रहा है, रॉ एनर्जी है, बहुत डेंस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो जब भी कोई स्पेशल वाला डे आए, यानी कि एनी पर्टिकुलर डे, जिस दिन कोई स्पेशल डे है, उस दिन हम अपनी विशेस, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो एक पेपर पे लिख के उस दिन के लिए, और हम उस पेपर को इसके अंदर लिखने के बाद डाल के और इसको वापस से कवर, यानी कैप वापस से लगा के, इसको हम अपने ऑल्टर में या किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ से ये एम्प्लीफाई हो सके और आपकी विश मैनिफेस्ट जल्दी से जल्दी हो सके। ये होता हुआ मैंने देखा है और इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं आती हूँ नंबर, क्रिस्टल नंबर 2, जो सबके पास होना चाहिए और वो बहुत ही अमेजिंग है। सबके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, मुझे पता है सब खुश हो जाओगे। वो बात करता है मनी की, वो बात करता है पैसे की, और ये है नंबर 2 क्रिस्टल, विच इज़ नोन एज, ये ज़ीबू कॉइन्स कहलाते हैं, राइट। ये ग्रीन अवेंचुरीन स्टोन है जो अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का है। और ये दो कॉइन्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दोनों कॉइन्स क्या करते हैं, इनके ऊपर आप देखेंगे कुछ नंबर्स इंस्क्राइब्ड हैं, 8085207401। ये मैजिक नंबर्स हैं, इसको मनी नंबर्स के लिए भी कहा जाता है। बहुत से लोग इनको बहुत अलग अलग वजहों से यूज़ करते हैं। आपके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, जब भी आप लें, एक तो सबसे पहली चीज़, कभी एक इकलौता नंबर नहीं लेंगे, आप दो लेंगे, और बल्कि दो नहीं, जैसे मैंने प्लांट वाली वीडियो में बोला था ना, जो भी आप अपने लिए लेंगे आप एक और ऐसा लेंगे। स्पेशली मनी, मनी तब आपके पास आता है जब आप किसी के लिए मनी से हेल्प करते हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक इस तरह का एक डबल कॉइन हम लेंगे और एक डबल कॉइन एक्स्ट्रा लेंगे किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो यानी 4 कॉइन्स हो गए। अब इन 4 कॉइन्स को हमने क्या करना है, इनको हमने एज ग्रीन एवेंचुरीन, ये अबंडेंस का नंबर है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, या आपके घर में वेल्थ लाता है, या आपके घर में वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, कहीं स्टक एनर्जीज़ हैं उनको ठीक करता है, तो हर तरह से प्रॉस्पेरिटी का रीज़न है ये। 2 नंबर कॉइन्स लेंगे हम, 2 तो हमने गिफ्ट देने हैं, उसके बाद इन दोनों को ऑल्टर पे रखना है, रखने के बाद चार्ज करना है, जैसे मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, मूनलाइट में कर सकते हो, सेलेनाइट प्लेट पर कर सकते हो, रात भर आप वहाँ रखें। एक कॉइन जो है वो आपके मंदिर, ऑल्टर, कहीं पे भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ यूनिवर्सली, यानी आपके पूरे परिवार में, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी, आपके घर की तरक्की के लिए ये आप उसे वहाँ रख रहे हैं। सेकंड कॉइन क्या करेगा, सेकंड कॉइन आप रखेंगे अपने ऐसी जगह जहाँ आप अपना खजाना रखते हैं। अब आप लॉकर में रखना चाहो, लॉकर में रख सकते हो। अगर आप अपने घर में आपने कोई छोटी सी जगह रखी हुई है, जिसको पहले तो गुल्लक हुआ करती थी, हम छोटा सा बैग, पर्स, कोई भी ऐसी जगह जहाँ हम जनरली अपने पैसे रखते हैं, उसके अंदर भी डाल सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं डालना चाहते, पर्सनल यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपने पर्स के अंदर भी इसको लेकर चल सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रहे कि कोई भी हम जब क्रिस्टल लेते हैं, उसे हर 15 दिन में उसको आपको क्लेंस करना है और चार्ज करना है। नेगेटिव एनर्जीज हैं, हाथ वाथ लग जाते हैं और पड़े पड़े धूल मिट्टी सब कुछ आती है। क्लेंस करने के लिए हम धूनी, सेज, मेरे आप वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने सब मेथड्स डाले हुए हैं कैसे क्लेंस करेंगे। और साथ साथ में चार्ज करना है, तो चार्ज करने के सबसे सिंपल तरीका, फुल मून की लाइट के अंदर रख दीजिए, रात भर वहाँ रहने दीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेडी टू यूज़, रेडी टू चार्ज। अगर आपको लगता है नहीं, पॉसिबल नहीं है, मून लाइट नहीं है, आप नहीं हैं, या वो दिन निकल रहे हैं, तो सेलेनाइट की प्लेट है, सिंपल सी सेलेनाइट की प्लेट जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो सेलेनाइट की प्लेट के ऊपर भी आप छोड़ सकते हैं और उससे भी वो आपका क्रिस्टल चार्ज हो सकता है। तो ये तो हो गए 2 क्रिस्टल्स की बात, अब मैं आती हूँ तीसरे क्रिस्टल पे। इसके बाद हम आते हैं क्रिस्टल नंबर 3, थर्ड क्रिस्टल कौन सा होना चाहिए सबके घर में। 2 बातें की मैंने आपसे, एक यूनिवर्सल हीलर एम्पलीफायर की बात करी और दूसरी मैंने आपसे प्रॉस्पेरिटी और मनी की बात की। तीसरा नंबर जो है वो आता है प्रोटेक्शन का। हम खुद कितने ही अच्छे हों, सब कुछ अच्छा हो, हमारे विचार अच्छे हों, हमारे घर की परिस्थिति अच्छी हो, लेकिन आपसे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जो आपके संपर्क में आने वाले लोग हैं, जो आपसे बात करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके लिए अच्छा सोचता हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी तरक्की देख के खुश होता हो, हर तरह के इंसान दुनिया में होते हैं, है ना। तो हमें ज़रूरी है कि हम थोड़ा प्रोटेक्टेड भी रहें, तो हर किसी के घर में एक प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिससे हम, बहुत से क्रिस्टल्स भी होते हैं जिनसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है ये हैंगिंग, इसको जनरली मैं बेस्ट स्पेस क्या या प्लेस बोलूँगी हैंग करने के लिए, जहाँ आपका ड्राइंग रूम है, यानी आपके घर में अंदर एंटर करते ही जो लॉबी है, जहाँ से भी मतलब कोई भी आपके घर में आता है, ताकि वहीं के वहीं एनर्जीज ब्लॉक हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ और क्लेंस हो जाएँ। उसके लिए
ये एक डोर हैंगिंग। तो इसके अंदर हम दो क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। क्या हैं दो क्रिस्टल्स? सबसे पहला तो है सेलेनाइट वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, जो यूनिवर्सल ये चार्ज रहता है, इसको चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा चार्ज रहता है। इसी से आप दूसरे क्रिस्टल्स भी चार्ज करते हैं। तो एक तो ये हो गया वाइट सेलेनाइट, और जो दूसरा वाला है वो है ब्लैक टर्मोलिन नज़र बट्टू। तो ये नज़र नहीं लगने देगा, बुरी एनर्जीज़ को, बुरी तरीके के लोगों को, बुरे ऑरा को एक तो ये क्लेंस करेगा, एक बुरी नज़र से आपको बचा के रखेगा, आपके घर में बुरी एनर्जीज़ नहीं आ पाएंगी, ऑरा आपका क्लेंस रहेगा तभी। इसलिए सबसे अच्छी जगह इसको रखने की कहाँ है? द मोमेंट यू एंटर योर होम, उसमें जो भी आपके घर में आ रहा है अगर ये वहाँ टंगा हुआ है तो ये दरवाजे से ही क्लेंस कर देगा, मतलब छलनी का काम कर देगा, यानी कि एनर्जीज़ को दूर ही रखेगा। सो दिस इज़ द थर्ड क्रिस्टल विच आई ऑलवेज रिकमेंड। अब ब्लैक टर्मोलिन को आप और भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। ब्लैक टर्मोलिन के पीसेज आते हैं, आप उनको रॉ पीसेज आते हैं, उनको भी आप रख सकते हो अपने घर में। अगर आपको लगता है ये अजीब सा लगेगा, नहीं रख सकते हम इसको, या फिर आप ब्लैक टर्मोलिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो अगर आपको इंडिपेंडेंटली अपनी एनर्जी को क्लेंस करके रखना है। यानी आप बाहर अंदर जाते हो, लोगों से मिलते हो, आपको लगता है जल्दी से नज़र लगती है, आपको लगता है आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हो, तो ऐसे में ब्लैक टर्मोलिन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो आप। या एल्स आपको पूरे घर के लिए देखना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे आउट। अब मैं आती हूँ आपसे चौथा क्रिस्टल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मेरा फेवरेट क्रिस्टल है और जो सबके पास होना चाहिए, वो है सेट्रीन। दिस इज़ अनदर ब्यूटिफुल क्रिस्टल, येलोइश पेलिश क्रीम कलर का क्रिस्टल है, ये टम्बल है सेट्रीन का। और ये सेट्रीन की प्लेट है जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ द सेट्रीन प्लेट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें, सबसे पहले तो चलिए मैं बताती हूँ सेट्रीन करेगा क्या आपके लिए। बहुत सारे काम करेगा। सबसे पहला आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, मतलब आप कुछ, आपके घर में अगर बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं और आप लगता है कि उन बहुत क्रिएटिव हों, बहुत अच्छे से काम करें, बहुत अच्छा सा एग्ज़ाम लिख के आएँ, बहुत अच्छा सा पेपर करें, तो उसके लिए ही आपको प्रमोट करें। थिंकिंग में क्लैरिटी लाएगा ताकि वो अच्छे से याद कर पाएँ, समझ पाएँ, बहुत क्लियरली चीज़ों को सोच पाएँ, देख पाएँ, उनको यूज़ कर पाएँ। सो थिंकिंग के अंदर क्लैरिटी आएगी। अगर आप काम करते हैं, बिजनेस ओनर हैं, ऐसे में आप प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे तो ये सिट्रीन का टंबल आप इसके साथ, टंबल को कैसे यूज़ करेंगे, आप टंबल के साथ लेफ्ट हैंड में थोड़ी देर के लिए रखेंगे और रखने के बाद आप अपने आप मेडिटेट करेंगे। 10 मिनट की मेडिटेशन, 15 मिनट की मेडिटेशन लेफ्ट हैंड में जब भी आप रख के करेंगे, आप इसकी एनर्जीज़ को अपने पास लेंगे और उससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते, आप इसको अपने टेबल पे रख सकते हैं, और अगर स्टूडेंट है तो उसकी टेबल पे, आप कामकाजी हैं आपकी टेबल पे रखी जा सकती है। तीसरी चीज़, हम अगर ये प्लेट की बात करें तो कोस्टर है ये सिट्रीन का जो कोस्टर है। मैं कैसे यूज़ करती हूँ? मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ कि मैं अपनी टेबल पर रखती हूँ और उसके ऊपर मैं पानी का ग्लास रखती हूँ, और वो उससे मैं जब पानी का ग्लास रखती हूँ तो सुबह मैं इंटेंशन सेट करती हूँ और उस वाटर के साथ वो वाटर मैनिफेस्ट होता है एंड उससे मैं अपने आप एनर्जीज लेती हूँ। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच आई यूज सिट्रीन, एंड सिट्रीन इज़ अनदर वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल्स। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोग, बहुत हद तक बहुत सारे लोग इसको भी लेते हैं। तो ये हो गए जी चार क्रिस्टल्स जिनके बारे में मुझे लगा आज मुझे आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप मुझसे और क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं क्रिस्टल रिलेटेड, ताकि मैं आपके हर क्वेश्चन को एक वीडियो की फॉर्मेट में बना के आप तक ला पाऊँ और आपके लिए सवाल आसान हो जाए और आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हाँ, आप में से बहुत लोग पूछ भी रहे थे मैम कहाँ से लेना है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपके आसपास में अगर कोई क्रिस्टल शॉप है, आप पर्सनली जाइए, देखिए, फील करिए एनर्जीज़ को फील करके उस हिसाब से लीजिए। अगर आपके पास क्रिस्टल शॉप नहीं है, आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो मेरा भी ऑनलाइन स्टोर है, आप उस ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। इन चारों क्रिस्टल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ताकि अगर आपको कहीं भी जाने में मुश्किल हो रही है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से आभार और शुक्रिया। थैंक यू।